रियल एस्टेट ग्रुप एचईएस इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश की सुरक्षा में जान गंवाने वाले जवानों के परिवार वालों के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। क्या ये पहल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के अग्रणी रियल एस्टेट ग्रुप एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश की सुरक्षा के लिए जान न्योछावर करने वाले वीरों के परिवारों को क्रेडाई के साथ मिलकर मकानों के आवंटन पत्र सौंपे। देश के बहादुरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए 5 परिवारों को आवंटन पत्र एटीएस ग्रुप के हैप्पी ट्रेल्स के निर्माणाधीन साइट पर दिए गए हैं। आपको बता रहे कि 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों के एक काफिले पर हमला किया गया था। इसके एवज में हमने अपने 40 जवानों को खो दिया था। एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी गीतांबर आनंद ने अपने वायदे को पूरा करते हुए शहीदों के परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे। आनंद ने सैनिकों के बलिदानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि देश कभी भी वीर सपूतों के बलिदान को नहीं भूलेगा। देश शहीदों के परिवारों का आभारी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को खोया। आनंद ने साथ ये भी कहा कि एटीएस ग्रुप खुशकिस्मत है कि अमर जवानों के परिवारों के किसी काम तो आ सका। एटीएस ग्रुप की मान्यता है कि देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा करने वाले जवान देश की जान है। जवानों और उनके परिवारों का ख्याल रखना हर भारतीय का पहला धर्म होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।